पॉकेट बिलर ऐप में आपका स्वागत है। अभी हम वृंदावन रेस्टोरेंट में जो हमने एक इंस्टॉलेशन किया है पॉकेट बिलर का, उसका अभी हम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन जो है देखेंगे कि ये किस तरह से ये पॉकेट बिलर पूरा प्रॉपरली वर्क करता है। तो ये जो है ये वृंदावन रेस्टोरेंट का डाइनिंग है और यहाँ पे कुछ इन्होंने इनके जो स्पेशल डिशेस है, यानी ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है तो इनके कुछ स्पेशल डिशेस के इन्होंने फोटो वगैरह लगाए हैं। और यहाँ पे है मेन काउंटर और इनका मेनू। तो ये हमारा पॉकेट व्हीलर का मेन सर्वर ऐप है जहाँ से पूरा ये वर्किंग चलता है। तो अभी ये जो है मेन सर्वर है, तो अभी दो नंबर टेबल अभी तो खाली है, तो हम सर को पूछते हैं कि ये दो नंबर पे हमें कैसे ऑर्डर प्लेस करना है। तो अभी सर ये हमको वेटर ऑर्डर जो है वो लेके दिखाओ थोड़ा दो नंबर टेबल पे। तो कैसे लेना है ऑर्डर एग्जैक्टली? मुझे अगर मैगी, मसाला मैगी और शेजवान मैगी का ऑर्डर प्लेस करना है तो आप कैसे करोगे? सर कुछ सिंपल है, हाँ उसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सर। आप सीधा ये आपके जो टेबल है आपकी इसमें ऐड है सर, आप दो डबल टेबल पे गए, आपको जो भी इसमें ऐड करना है, जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। हाँ, तो अभी मुझे मैगी ऐड करना है और उसमें तीनों टाइप्स उसके ऐड करने हैं जैसे मैगी के। सिंपल है सर, आपका यहाँ पे मैगी का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक किया, आपको जो भी मतलब मैगी में हमारे पास जो भी ऑप्शन है वो आपने इसमें सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, प्लेन मैगी एक होना है मुझे और एक ही होना है, मसाला मैगी दो होना है मुझे। ओके, यहाँ पे दो डाल दिए सर। अच्छा, ओके 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 कर दीजिए। हाँ, और एक शेजवान मैगी होना है मुझे, एक ही होना है सर। हाँ हाँ, तो एक यहाँ पे क्वांटिटी डालने की जरूरत नहीं। हाँ, तो ओके करना है बस। अभी ये आपने प्लेस किया तो ये मेन काउंटर पे आ गया डायरेक्टली? हाँ बिल्कुल सर। हाँ, अभी ये बैक लेना मुझे, दिखाना किस तरह से आया है। अच्छा, तो ये आपको ये जैसे दिख रहा है तो मेन काउंटर पे वो आ गया क्या? हाँ, दो नंबर टेबल। अच्छा, हाँ हाँ, यहाँ पे आ गया दो नंबर टेबल पे। अच्छा, तो ये मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अच्छा, इस तरह से, अच्छा इस तरह से ये दिखता है। ओके ओके ओके। और इसका मुझे अगर इसका प्रिंट प्रीव्यू देखना है ये बिल का, अभी दो नंबर टेबल का, तो ये मैं किस तरह से देख सकता हूँ? सर यहाँ पे जो प्रिंट प्रीव्यू का यहाँ पे ऑप्शन है सर, वहाँ पे क्लिक करना है आपको, तो आपका जो प्रिंट प्रीव्यू आपको दिख जाएगा सर। अच्छा, जो भी प्रिंट होने वाला है। और क्या मैं इसको ये शेयर कर सकता हूँ प्रिंट को अगर मुझे? हाँ सर, आप डायरेक्ट कस्टमर के व्हाट्सएप नंबर लेके आप उस पर ये प्रिंट शेयर कर सकते हैं। शेयर कर सकते हैं, ओके ओके। और इसको दोनों प्रिंटर कनेक्ट हो सकते हैं क्या, एक केओटी प्रिंटर और बिल प्रिंटर? बिल्कुल सर, हो सकते हैं। अच्छा अच्छा, और अगर हम इसकी किचन में डायरेक्टली ऑर्डर चाहते हैं तो किचन में डायरेक्टली सेंड हो जाएगा क्या ये? हाँ सर, किचन में भी आप केओटी दे सकते हैं, यानी स्मार्ट किचन की तरह वर्क करेगा प्रॉपर। तो उसका मुझे आप डेमो दिखा सकते हो ना एक? हाँ बिल्कुल सर। ओके, तो सर मुझे अगर ये केओटी, अभी नया केओटी कैसे ले सकते हैं हम इस पे? सर यहाँ पे सिंपल है, आपको जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना है आप प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं सर, एक करना है, दो करना है, उसके बाद आप केओटी का जो ऑप्शन है वो प्रेस करना है, अपने आप केओटी किचन में आपका केओटी चला जाएगा सर। अच्छा, एकदम नया। हाँ, यहाँ पे टेबल नंबर 4 का केओटी आ गया है, नूडल्स प्लेट जो आपने डाला है, बराबर जी, जी। हाँ, तो यानी मैं अगर इस पे अगर टैप कर देता हूँ तो वेटर को पता चल जाता है? हाँ कि... सर, हाँ सर, वेटर को यहाँ पे ये हो जाता है सर, पता चल जाता है, बीप हो जाता है ना? बीप हो जाता है। अच्छा, ये बीप हो रहा है जैसे वेटर को? अभी मैं यहाँ पे टैप कर रहा हूँ, एक सेकंड, तो यहाँ पे बीप हो जाता है और वहाँ पे टेबल नंबर भी आ जाता है कि ये ऑर्डर रेडी है करके। हाँ सर। अच्छा, यानी वेटर और जो किचन है पूरा यानी जुड़ा हुआ है इससे? जी जी बिल्कुल। हाँ, ये तो एक तरह से ये पूरा स्मार्ट तरीके से पूरा वर्क हो रहा है। जी जी बिल्कुल सर। ओके ओके ओके, ठीक है, ओके सर।